नमस्कार भाइयों, मैं आपका दोस्त मोहित पारीख और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल बीकानेर बर्ड इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, गर्मियां आ चुकी है और गर्मियों में अपने बर्ड को कौन सा सॉफ्ट फूड देना है, अपने बर्ड को डाइट में क्या देना है, तो आज के इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था कि गर्मियों में अपने बर्ड की केयर किस तरीके से करें और अपनी कॉलोनी में पिंजरों में क्या क्या बदलाव करने हैं ताकि जो है गर्मियों का एहसास ज़्यादा बर्ड को ना हो और अपने बर्ड जो है गर्मियों से बचे रहें। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ सॉफ्ट फूड पे बात करेंगे कि अपने बर्ड को कौन सा सॉफ्ट फूड देना है। दोस्तों, आप सब जानते हैं सॉफ्ट फूड वो होता है जो कि हम अपने बर्ड को मॉर्निंग में दिन में एक बार देते हैं, और इसके अलावा जो सीड मिक्स होता है, अलग अलग तरीके के दानों का मिश्रण, वो हम 24 घंटे अपने बर्ड की कॉलोनी में या पिंजरों में रखते हैं। वैसे अगर बात की जाए तो ज़्यादातर सॉफ्ट फूड सर्दियों में और गर्मियों में एक जैसे होते हैं, लेकिन उनके देने के तरीके में थोड़ा सा बदलाव करना है। और कुछ सॉफ्ट फूड जो है वो सर्दियों वाले गर्मियों में नहीं दिए जाते हैं और कुछ गर्मियों वाले सर्दियों में नहीं दिए जाते हैं। तो इस वक्त मैं अपने सारे बर्ड को कौन कौन सी डाइट देता हूँ, कौन कौन सा सॉफ्ट फूड देता हूँ और किस तरीके से देता हूँ। वैसे मेरे पास में भी बजीज पैरेट, लवबर्ड, कॉकटेल और फिंच हैं, तो ऐसे में मैं अपने सभी बर्ड को रोज़ाना एक ही जैसा सॉफ्ट फूड देता हूँ। ऐसा नहीं कि सबके लिए अलग अलग बनाते हैं, तो ऐसे में जो सॉफ्ट फूड बजीज पैरेट को मिलता है वही कॉकटेल को और वही लवबर्ड को और वही फिंच को मिलता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो के साथ बने रहें, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वीडियो को पूरा देखें। और अगर अभी तक आपने बीकानेर बर्ड इन्फॉर्मेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ये फ़ायदा होगा, जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल फ़ोन तक आएगी और आप बीकानेर बर्ड इन्फॉर्मेशन फैमिली के सदस्य बन जाएंगे। वीडियो का शुरू करते हैं। गर्मियों में हम अपने बर्ड को जो भी डाइट देते हैं, जो भी सॉफ्ट फूड देते हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस तरीके के सॉफ्ट फूड हम अपने बर्ड को प्रोवाइड करें जिनकी तासीर ठंडी हो। ठंडी तासीर के मैं आपको काफ़ी सॉफ्ट फूड बताऊंगा और उनसे बर्ड को क्या फ़ायदा होता है। बर्ड जब इस तरीके के सॉफ्ट फूड खाते हैं जिसकी तासीर ठंडी होती है, तो बर्ड की बॉडी में भी ठंडक रहेगी, बर्ड जल्दी से गर्मियों की चपेट में नहीं आएंगे। सर्दियों में इतने टाइम हम अपने बर्ड को इस तरीके की डाइट देते थे जिससे जो है बर्ड की बॉडी में गर्मी रहे, जिस तरीके से बॉइल अंडा। वैसे मैं तो अपने बर्ड को कभी भी बॉइल अंडा नहीं देता हूँ, लेकिन काफ़ी भाई देते हैं, बर्ड के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन इसकी जगह मैं अपने बर्ड को जो भी सॉफ्ट फूड सर्दियों में देता था उसे उबाल के देता था ताकि वो गर्म रहे। लेकिन सर्दियों में जो है उनकी सॉफ्ट फूड में ज़्यादा बदलाव नहीं होगा, लेकिन सॉफ्ट फूड को देने के तरीके में काफ़ी बदलाव करना है। और कौन कौन से सॉफ्ट फूड हमें अपने बर्ड को देने हैं, सबसे जो पहला सॉफ्ट फूड है गर्मियों का सबसे बेहतरीन अपने बर्ड के लिए, वो है स्प्राउट्स, अंकुरित दाने। आप किसी भी धान, जो साबुत धान होता है, उसे अंकुरित कर सकते हैं, जिस तरीके से बाजरा हो गया, गेहूं हो गया, चना हो गया, जिस तरीके से जो साबुत दालें होती है, मूँग दाल, मोठ दाल, उन्हें आप अंकुरित करके अपने बर्ड को दें। आपको स्किन पर दिखाई दे रहे होंगे स्प्राउट्स, इस तरीके से करके अपने बर्ड को देने हैं। इसका जो है बनाने का तरीका क्या है, आप रात को सभी दानों को मिक्स करके और उन्हें भिगो दो और सुबह उसे कॉटन के कपड़े के अंदर अच्छी तरीके से पैक करके रख दो। उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे वो फूटने लगेंगे, धीरे धीरे वो अंकुरित होने लगेंगे। उसके बाद आप अपने बर्ड को वो दें, अच्छी तरीके से साफ पानी से धो के अपने बर्ड को दें। इससे आपके बर्ड काफ़ी शौक से खाएंगे, काफ़ी खुशी से खाएंगे। और गर्मियों में मैं अपने बर्ड को हर संडे को इस तरीके से स्प्राउट्स बना के देता हूँ। और इसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अपने बर्ड को गर्मियों में जो कैरेट होती है, जो गाजर होती है, वो क्रश करके दें। इसके अलावा जो सब्जियां होती है वो अपने बर्ड को दें, जो ग्रीन फूड होते हैं, जैसे पालक हो गया, पुदीना हो गया, धनिया हो गया, मेथी हो गई, बथुआ हो गया, इस तरीके के जो ग्रीन पत्तेदार सब्जियाँ होती है वो आप अपने बर्ड को दें, वो काफ़ी ठंडी रहती है और बर्ड काफ़ी शौक से भी खाते हैं। ये तो हो गए गर्मियों के सबसे बेहतरीन सॉफ्ट फूड। इसके अलावा मैं आपको जो भी जो सॉफ्ट फूड बता रहा हूँ वो आप अच्छी तरीके से नोट कर लें। जो चने होते हैं उन्हें रात को आप भिगो दें और सुबह अपने बर्ड को साफ पानी से धो के अच्छी तरीके से दें। बजीज पैरेट, काफ़ी भाइयों के यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि साबुत चनों को नहीं खाते। मेरे यहाँ पर भी बजीज पैरेट कुछ खाते हैं और कुछ नहीं खाते हैं। ऐसे में हमें क्या करना है कि जो चने जब रात को भीग जाए अच्छी तरीके से, सुबह उन चनों को अच्छी तरीके से बारीक कर लेना है। चाहे आप चनों को ग्राइंड भी कर सकते हैं, ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना, हल्का सा ग्राइंड करना है ताकि उनके जो है टुकड़े हो जाएं। उसके बाद अपने बजीज पैरेट को दे। कॉकटेल और लवबर्ड जो है साबुत चनों को खा लेते हैं, लेकिन बजीज पैरेट नहीं खा पाते हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पे जो सॉफ्ट फूड है वो है मक्की के दाने।
मार्केट में सूखे मक्की के दाने मिलते हैं, उन्हें अच्छी तरीके से रात को भिगो लें। अच्छी तरीके से वो जब भीग जाएं, उसके बाद आप अपने बर्ड को दें। अगर आपको मार्केट में कच्ची मक्की मिलती है तो काफ़ी अच्छी बात है, और अगर कच्ची मक्की नहीं मिलती तो सूखे दाने आपको मार्केट में मिल जाएंगे। इसके अलावा तीसरे नंबर पे जो सॉफ्ट फूड है वो है गेहूँ, वीट। रात को जो है वो गेहूँ को भिगो लें और सुबह अच्छी तरीके से दो बार साफ पानी से धोकें और अपने बर्ड को गेहूँ दें, वीट दें। और चार नंबर पे है रोटी, चाहे गेहूँ की रोटी है या बाजरे की रोटी है, रात की हो या ताज़ी रोटी हो, उसे जो है आप ठंडे पानी के साथ थोड़ी देर भिगो लें और उसके बाद पानी को निचोड़ के अच्छी तरीके से बारीक करके आप अपने बर्ड को रोटी दें। रोटी भी बर्ड के लिए काफ़ी अच्छी रहती है। इसके अलावा पाँचवें नंबर पे जो फूड है, हर तरीके की दालों को आप मिला लो। जिस तरीके से मैंने जो है मिला रखी है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, इसमें जो है चार से पाँच तरीके की दालों को मैंने मिला रखा है, जिसमें चने की दाल भी है और काफ़ी तरीके की दालें हैं। दालें काफ़ी तरीके की आती है, आप जो है मिला सकते हैं, और मिलाने के बाद वो भी आप रात को भिगो के और सुबह अपने बर्ड को ऑफर करें। इसके अलावा जो दो सॉफ्ट फूड मैंने आपको शुरुआत में बताए थे, हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, और इसके अलावा अंकुरित दालें, अंकुरित धान आप अपने बर्ड को दें। ये जो सॉफ्ट फूड हैं, ये आप पूरी गर्मी अपने बर्ड को दें, बर्ड आपके काफ़ी हेल्थी रहेंगे, काफ़ी खुश रहेंगे। कि सॉफ्ट फूड के काफ़ी बेनिफिट होते हैं, ख़ास तौर पर जब बच्चे निकले हुए हैं, जब हमारे बर्ड ब्रीडिंग कर रहे हैं, उनके बच्चे निकले हुए हैं, तो बच्चों की भराई काफ़ी अच्छी होती है। जब मॉर्निंग में हम अपने बर्ड को सॉफ्ट फूड देते हैं, बर्ड जो है अच्छी तरीके से सॉफ्ट फूड को खा के अपने बच्चों को खिलाते हैं, सबसे पहला बच्चों की ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से होती है। बच्चों की जो क्वांटिटी है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। जब अंडों में से पाँच बच्चे निकलते हैं, अगर दाने सिर्फ जो है अपने बर्ड अपने बच्चों को खिलाते हैं, तो इससे जो है काफ़ी टाइम लगता है। हो सकता है कि पाँच में से तीन बच्चे ही पलें, दो ही पलें, लेकिन सॉफ्ट फूड से सारे बच्चे पल जाते हैं, बच्चे भूख से नहीं मरते हैं। बच्चों का जो साइज़ है वो काफ़ी अच्छा निकलता है, तो सॉफ्ट फूड के काफ़ी बेनिफिट है। बर्ड का साइज़ भी काफ़ी अच्छा रहता है, बर्ड की हेल्थ काफ़ी अच्छी रहती है। तो ये सब जो सॉफ्ट फूड के बेनिफिट है, काफ़ी बेनिफिट है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपने बर्ड को सिर्फ सॉफ्ट फूड ही देना है। ज़्यादा जब हम सॉफ्ट फूड अपने बर्ड को देते हैं तो उससे नुकसान भी हो जाता है। नुकसान ये होता है कि जब बर्ड को हम ज़्यादा सॉफ्ट फूड देते हैं, पूरे दिन बार बार सॉफ्ट फूड डालते हैं, तो इससे क्या होता है, बर्ड जो है काफ़ी ज़्यादा खाते हैं और अपने बच्चों को बार बार सॉफ्ट फूड से फीडिंग करवाते हैं। इससे मटकियाँ गिल्ली होती है, ब्रीडिंग बॉक्स गिल्ले होते हैं, और बर्ड को जो है लूज मोशन भी हो जाते हैं, चर्बी भी लग जाती है। हमें अपने बर्ड को उतना ही सॉफ्ट फूड देना चाहिए जितना वो एक घंटे में अच्छी तरीके से खा लें। तो मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ।